पहले ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना वायरस श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, लेकिन अब शोधकर्ताओं ने ये जान लिया है कि इसके लक्षण कई और विविध हैं। कोविड 19 के गंभीर मामले एक आदमी के शुक्राणु की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार संभवतः उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये निष्कर्ष इस बात का पहला और प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक सबूत है कि कोविड 19 पुरुष प्रजनन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इस शोध को लेकर विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि पुरुषों में प्रजनन क्षमता पर वायरस का प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोविड 19 से संक्रमित 84 पुरुषों और 105 स्वस्थ पुरुषों के स्पर्म को लेकर अध्ययन किया गया था। जर्मनी में जस्टिस लिबिग विश्वविद्यालय के शोधकर्ता बेहजाद हाजीजादे मोलकी ने कहा, शुक्राणु कोशिकाओं पर यह प्रभाव कम शुक्राणु की गुणवत्ता और कम प्रजनन क्षमता से जुड़े हैं। हालांकि इन प्रभावों में समय के साथ सुधार हुआ, लेकिन वो कोविड 19 से जूझ रहे मरीजों में महत्वपूर्ण और असामान्य रूप से उच्च बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बीमारी जितनी अधिक गंभीर होती है, परिवर्तन उतने ही बड़े होते हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।